प्रोटेस्ट हमारा इस रिगार्डिंग है, जो जंतर मंतर पे हमारे भाई बहन वहाँ पे धरने पे बैठे हैं पिछले 3 दिनों से, उसके लिए हमारा आज ये कैंडल मार्च है। हम यूथ कांग्रेस की तरफ से एक अपील करना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जब ये हमारे प्लेयर्स कोई जीत कर आते हैं या ट्रॉफी या ओलंपिक कुछ जीत कर आते हैं तो सबसे पहले ट्वीट करके मोदी जी क्रेडिट लेते हैं और इनको शाबाशी देते हैं। पर आज पिछले 3 दिनों से ये लोग वहाँ पे इतनी सर्दी में वहाँ पे बैठे हैं, पर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी थानी बैठे हैं। ये नारा देते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर कहाँ है मोदी जी? हमारी यही बात है कि मोदी जी को इसके ऊपर कोई बात रखनी चाहिए और हम अगले 2-3 दिन में जो भी अपनी सपोर्ट उनको एक्सटेंड करेंगे और वहाँ पर जाके उनकी मदद करेंगे जो भाई हमारे वहाँ पर बैठे हैं। और आज हम यहाँ पर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की टीम यहाँ पर कैंडल मार्च करेगी सुखना लेक पर, उनको इस्तीफा देना चाहिए। यही तो गुंडाशाही मतलब गुंडा सरकार, इसी को तो कहते हैं ना गुंडा सरकार, जो मतलब अपनी जो दिल में आया कर रहे हैं, पर जो देश के लिए पूरे वर्ल्ड में जाके हमारे लिए हमारा नाम ऊंचा करते हैं, आज वो इतनी सर्दी में वहाँ पे बैठे हैं पर उनकी कोई बात नहीं रख रहा जी। उनके साथ है जी और आने वाले 2-3 दिन में हम जाएंगे दिल्ली और उनकी पूरी हेल्प करेंगे जहाँ भी जैसे भी हुआ। आज हम किसी की अभी इंटरव्यू देख रहे थे तो सब लोग धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाली बात भी है जी। ये कोई एक आम नागरिक की लड़ाई नहीं है, ये सब लोगों की लड़ाई है और सबको मिलजुल कर लड़नी चाहिए। ये मतलब इससे पता लग गया कि बदमाशी कर रहे हैं, वो करियर ख़त्म कर देंगे उनका मतलब ये है कि कर देंगे इनका तो करियर ख़त्म, अगर कोई और आएगा तो उनका भी करियर ख़त्म कर देंगे। पर हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं चलेगा और जहाँ तक उनकी लड़ाई का हमें साथ देना पड़ा और हम वहाँ तक उनका साथ देंगे। जो पहलवान हमारे खिलाड़ी खास तौर पर लड़कियां विनेश जैसी, साक्षी मलिक जैसी, फिर बजरंग पुनिया जैसे इंटरनेशनल ओलंपियंस वहां पर आज 3 दिन से ठंड में दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर पर और आवाज़ उठा रहे हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसने शख्स ने दमन किया है, जिसके ऊपर शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं, उसको क्यों नहीं भारत की केंद्र सरकार उस पर कोई एक्शन कर रही? क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसके खिलाफ कोई एक्शन कर रही? क्यों नहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसके खिलाफ कोई एक्शन कर रही? जब इतने बड़े बड़े नामी खिलाड़ी वहाँ पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। मैं ये समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नाम करने वाले बच्चे जिनको जब जीत कर मेडल आते हैं उनके साथ फोटो खिंचाई जाती है, ट्वीट किए जाते हैं, 100 तरह का उनका उनके साथ एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, आज क्या वो अनइंपॉर्टेंट हो गए? 3 दिन हो गए, मीटिंगों का दौर चला रखा है सिर्फ? बहुत हैरानी वाली बात है, एक्शन होना चाहिए इमीडिएट। 3 दिन तो बच्चे उत्थे ठंड दे विच रुल रहे यार, कुड़ियां इन्ना मतलब गलत एलिगेशंस उसते लग रहे है कि शोषण यौन शोषण टाइप किता जा रहा है उन्होंने नाल, उन्होंने इतनी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और मैं कहनी हां तो मैं किसी नु नहीं पूछना चाहती, मैं तोड़े राही सिर्फ मोदी जी नु पूछना चाहती हां कि मोदी जी ए ओही कुड़ी है जिनु तुसी गले लाके क्या सीगा कि तू मेरी कुड़ी है जदे मेडल जीत के आई सी, ठीक है? अज ओ कुड़ी तुहानु खराब लगन लग गई, अज तुहानु अपना सांसद अच्छा लगन लग गया, तुसी कहंदे कुड़ियां दी साडा देश पूजा कर रहे है, पूजा और पुजारी किथे गए होए अज? ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 3ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਕ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਜ ਤੋਂ बीजेपी के धुरंधर नेता, पहले हरियाणा के प्रधान थे जो उनका लड़का छेड़छाड़ करके पकड़ा गया, अब रिसेंटली संदीप सिंह के ऊपर गंभीर एलिगेशन लगाए गए, पर्चा हो गया उनके ऊपर, FIR हुई पड़ी है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और अब तो देश का सम्मान जो गौरव है हमारे हमारे रेसलर हमारे प्लेयर, उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। जो हमारे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण जी, उनके लिए तो ये नाक डूब कर मरने वाली बात है, जब वो नारियों का सम्मान हमारे प्लेयर का सम्मान नहीं कर सकते, उनके ऊपर यौन शोषण तक के दोष लगे हुए हैं और वो बीजेपी पार्टी चुप्पी साधी बैठी है इसके ऊपर। और उसके लिए हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो दिल्ली में खिलाड़ी बैठे हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी बीजेपी पार्टी कोई एक्शन ले, सेंटर सरकार कोई एक्शन ले, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये युवा ये यूथ शांत नहीं बैठेगी। हम अपने प्लेयर जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे लिए आइडियल भी है, उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे ताकि
उनको इंसाफ दिलाया जा सके और आने वाली युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर गेम्स में हिस्सा लें, वरना ऐसा ही चलता रहो तो एक दिन देश में युवा गेम्स के ऊपर नहीं नशे की तरफ जाए जा रहा है, उससे बचाना भी हमें ज़रूरी है। और आज युवा को एक अच्छी दिशा देनी है तो इन जैसे करप्ट लोगों को जो दोषी है इनको सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा।